चादर से सेक के दे रहा है मेरा पति। चाय चाहिए। ये देखिए ये अलकनंदा बह रही हैं, बहुत ही जोरदार इनका वेग है ये देखिए। और ये पूरी पहाड़ों की चोटियाँ, धूप बहुत खूबसूरत खिली खिली निकली है, मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खुशनुमा मौसम है। ये श्री बद्री विशाल की जय हो, जीवन का परम सौभाग्य ये दर्शन हुए इनके, जय श्री बद्री विशाल की। बहुत ही खूबसूरत अनुभूति शब्दों में बयां नहीं है। और अब इसके आगे हम लोग निकलेंगे माना, जो भारत देश का आखिरी गांव है जहां सरस्वती जी का उद्गम स्थल है। कहीं और नहीं दिखती हैं सरस्वती जी, माना में दिखती हैं। और क्योंकि उनको श्राप दे दिया था गणेश जी ने, वहां पे वो अपना वेद लिख रहे थे और वो उनको परेशान कर रही थी, तो उन्होंने श्रापित होने की वजह से वो लुप्त हो गई हैं। बट अपने उद्गम स्थल पर वहाँ वो दिखती हैं, मैं आपको वहाँ का पूरा बताऊँगी डिटेल्स। बट अभी यहाँ से हम लोग अभी आधे घंटे में निकलेंगे और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री बद्री विशाल की जय। मम्मी की जो है भरपूर श्रद्धा भक्ति से पूरा हुआ, श्री बद्री विशाल की जय। कैसा लग रहा है आपको दर्शन करके? परम सौभाग्य की प्राप्ति, शब्द नहीं है, मम्मी की आंखें भर आई, अनुभूति सुखद, सुख का कोई वर्णन नहीं, कोई वर्णन नहीं है, सुखद अनुभूति और सब के लिए मनोकामना करती हूँ कि हर किसी को भगवान दर्शन दें और सभी पर कृपा करें। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी जल रही रोशनी है, तेरा साथ है। ये जो नहाने की भीड़ आपको दिख रही है ये तप कुंड है, यहाँ खौलता हुआ पानी है। देखिए कुदरत का कैसा करिश्मा है कि घनघोर ठंड में जहाँ 5 डिग्री टेम्परेचर है वहाँ पे ये खौलता पानी यहाँ तो मिक्स करके रखा गया है ताकि लोग नहा सकें। कल हम लोग इसके ओरिजिनल तप कुंड में जब गए थे तो धुआं निकल रहा था, इतना खौलता कि टच छुआ तक नहीं जा रहा था, छूते जैसे लगा कि कभी स्किन जल जाएगी। तो ये तप कुंड अलौकिक भगवान जी का अद्भुत प्रकृति की देन है। चलिए ठीक, ये गंगा नदी अलकनंदा, इनका नाम अलकनंदा है और ये आगे मिलकर हरिद्वार में गंगा जी हो गई हैं। गर्व होता है अपने भारत देश पर भी, जहाँ प्रकृति की इतनी अद्भुत छटा है और इतने सारे देखिए पहाड़ों से निकलता सूरज, ये देखिए एकदम पहाड़ की आखिरी चोटी और ऊपर से लग रहा है कि हम लोग सूरज एकदम नजदीक है। ये देखिए ये है भारत का लास्ट विलेज, भारत का आखिरी गांव, और इसके आगे हमारी इंडिया की पहाड़ियां समाप्त होती हैं और पहाड़ की चोटियों का आखिरी ये गांव है। इसके आगे हमारा पहाड़ ख़त्म, चाइना आ जाता है। 200 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे चाइना है और यहाँ पे गणेश जी का मंदिर है, भीम पुल है। और अभी भीड़ ज़्यादा इतनी है कि पार्किंग हम लोगों को मिल नहीं रही है, तो हम लोग वापसी हो रहे हैं। और जय हो भारत, जय हो श्री बद्री विशाल की। और ये भारत का लास्ट विलेज फिर से एक बार देखिए। ये देखिए आर्मी के बाद यहाँ स्टॉप जाने को नहीं मिलेगा, आर्मी विलेज है यहाँ। ये आर्मी नहीं बना सकते हैं से, तो आप भी आधे रास्ते पे आ गए, नंदप्रयाग से आगे आ गए हैं और यहाँ पे मैगी खाने बैठे हैं, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, फिर आगे बड़े किसी के स्टॉपेज लेंगे। कल फिर पहाड़ की मैगी रंग अलग ही होता है, पहाड़ में मैगी रखा है तो क्या खाए। अब हम लोग यहाँ चाय पीने के लिए रुके हैं और अभी हरिद्वार जी पहुँच जाएंगे, श्रीनगर से आगे आ गए हैं। ये बच्चे दोनों बदमाशी कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे, अभी मैं इनकी शक्ल दिखाती हूँ तो ये भाग जाएंगे, यही तरीका अच्छा होता है। और अब फिर आगे बढ़ते हैं, मौसम
अच्छा ही है, ये देखिए तो बदमाशी हो रही है, बड़े खुश है सब ना। यहाँ चाय पीने के लिए गाय भी है हमारी। और ये मेरा रूम टैंग टैंग टॉयलेट बाथरूम वॉशरूम एंड ये है वेरी गुड। चलिए जी, बेड अच्छा है, मैट्रेस भी सॉफ्ट है एंड व्यू देखो कैसा है। शहर दिख रहा है। चलिए बढ़िया है। अच्छा वो तो कबर्ड है, हाँ जी दरवाजा डोर के पास वो कबर्ड है।